नमस्कार, स्वागत बा आपके मछुआर ऑनलाइन खबर में। आज हम के फिर भरतापुर गांव का अवस्था देख सकल जाला। राती के बहुत ही ज़्यादा पानी पड़े के कारण बुटवल क्षेत्र में हम के मछुआर क्षेत्र भरतापुर गांव में फिर से बाढ़ आई बा और यहाँ के स्थिति देख सकल जाला वीडियो के मारत। गांव की अवस्था एकदम दयनीय बा, जबकि बाढ़ जितने चारों तरफ गांव के पानी, गांव में भी देखल जाता पानी पानी, सबके घर घर में पानी हल गई बा। एक बाद में घर धान बेर मनो खेती बाड़ी जौन भी रहा है, एक पहले जौन आई रहा है तो हमें कुछ आशा रहा कि बच जाए, लेकिन फिर जौन दोबारा आ गई अब कुछ बच ही वाला हालत में आई बाई। आज घर द्वार जब 10-12 ठो घर गिर गई बा, घर में पानी हलत बा, अभी नदी बाढ़त बा। अब कौन स्थिति में हमन के जान पूरे गांव के ने एकदम खतरा अवस्था में बा। रात में हमन के 2 बजे खबर पाल कि पानी वहाँ से आवत, हम रात भर सुतल नहीं पूरा गांव। एक बाद में अभी यही हालत में बढ़त रही तो हमन की अवस्था एकदम दयनीय, धन जन के साथ साथ मानवीय क्षति भी होने के संभावना जैसे दिखाता। लगभग हमन के छोट आदि कक्षा 3 में हम पढ़ता ली है, मोटी मोटा 2039 या 40 की जब खरसौलिया बहल रहा है वही समय पैसा बाढ़ आई रहा है, पहले फिर आ जाए इतना बाढ़। हाँ, अभी भी बढ़त हुआ, अभी अवस्था कहाँ जाए कि ठेकान नहीं। हमारे के खास करके तरकारी खेती विशेष करके हमारे गांव के लोग करें, उसे अपन जीविका उपार्जन करें। तरकारी खेती लगभग आपका पक्के मैंने लगभग 10 बीघा से कम नहीं रही, पक्के 50-60 बीघा कच्चे जमीन। बाकी जो धान बा, धान के तो मोटी मोटा मान के 1.5 बीघा भरतापुर के आदमी के डुबान में पड़ के नष्ट हो गए, एकदम बर्बाद बने समय सब समाप्त हुआ। कौनो तरकारी रह गई बा, ना धान देखा जाए डुबान बा, सब जौन फूट गई बा, हमें सब जामत बा, जौन रह गई बा रेड़ा में, अब फुटबे। संबंधित निकाय से ये अनुरोध करब कि हमन के गांव के यह समस्या के प्रति अब तो खाए पिए के गांव के लिए सबके पहले भी खरीद के खाता आना है। आज तो अभी बुझल कि फसल भी चल गई, अब खैले के लिए मुहताज रही है, जैसे हमें अवस्था लगाते हैं मिलकर। लेकिन आज संबंधित निकाय जौन यथाशक्ति सहयोग होवे लायक चीज़ हो, हमन के स्थानीय निकाय से कल मेयर साहब आई लाना है, आश्वासन दे के उन्हों गई हैं, और संबंधित निकाय जौन बा उनसे हम अनुरोध करब कि हम समस्या में जरूर सहभागी बने। हमन के बाढ़ से मुक्ति पावे खातिर जौन अरदौली नौडीहवा से ने जो बांध है से आई हमन के चारों तरफ यहाँ भरवलिया में जाके सट गए, जब तक वो बांध ना हुई तब तक बाढ़ी से हमन के मुक्ति ना मिली। कहें प्रत्येक साल हमन के अवस्था में ऐसे भोगत आवल जाए, जब बांध हो गई नदी किनारे किनारे तक बाद हमन के बाढ़ से ने मुक्ति मिल जाए।